poverty. P-O-V-E-R-T-Y, no poverty. Number two, zero hunger. हिंदी मीडियम में पेज नंबर टू में दिख जाएगा बेटा लिखा हुआ है. नंबर थ्री, गुड हेल्थ. नंबर फोर, क्वालिटी एजुकेशन. रिपीट करो, नंबर वन नो पॉवर्टी, नंबर टू जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ, फोर क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी. अब ध्यान रखना, इन पांचों में से इंडिया ने अभी तक किसके ऊपर मेजर वर्क किया है? जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी एंड गुड हेल्थ. क्लियर? नो पॉवर्टी के ऊपर आप बोल सकते हो हुआ है या नहीं हुआ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू दे आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस. बट जो मेजर है टॉप फाइव में भाई ये हुआ है. सिक्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन. क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन. क्लियर है सभी को? सेवेंथ, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी. अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी. एट, सेवन था बेटा अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी. एट, इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हिंदी में प्रिंट ठीक नहीं है बेटा तो दूसरा ले लेना, ठीक है. नाइन्थ, इंडस्ट्री इनोवेशन. इंडस्ट्री इनोवेशन. टेंथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. टेंथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. अब अभी जो पांच लिखा है मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी. अब इंडिया ने इसके ऊपर किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन. क्लियर? जो जगह जगह जो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखना जो स्वच्छ भारत अभियान है वो सब इसी के अंतर्गत है, इसको दिमाग में बैठा लेना. क्लियर? नेक्स्ट 11, सस्टेनेबल सिटीज. सस्टेनेबल सिटीज. 12, responsible consumption and production. Responsible consumption, consumption and production. Responsible. 12th वाला जो है that is responsible consumption, consumption and production.